तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, आप देख रहे हैं अमित व्लॉग्स। तो आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने इन बल्बों की अनबॉक्सिंग करी थी और उसकी बताया था प्राइस कितना था। तो आज हम इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे इसके स्कूटी में और TVS Ntorq में। तो गाइस, आप देख सकते हैं एक नीचे की तरफ नट है, तो इसे हमने खोल लिया है, ठीक है। और एक ये वाला जो नीचे की तरफ है, ये मैंने खोल लिया। और एक पीछे तरफ नट होता है, ये खोलना होता है क्योंकि इसके जो वायर है बहुत छोटे हैं और आपको बहुत मुश्किल हो सकती है इसे खोलने में, क्योंकि बहुत ही मुश्किल है इसे खोलना। तो ये मैंने पुराने LED बल्ब लगाए हुए थे इसके अंदर, ये मतलब है तो ऐसे ही सेम, बट इसमें LED कम है। और इस पर मैंने ये वाइट बल्ब हैं और इस पर मैंने टेप चिपका रखी है येलो कलर की, मगर ज़्यादा ब्राइट होते नहीं है इससे, इसलिए मैंने इसे फेविक्विक चिपका दिया था। तो हम ये वाले थे जो मैंने उसकी टेप हटा दी है, ये नए वाले हैं, तो आप देख सकते हैं। और ये आपको एक बार मैं दिखाता हूँ कि वाइट कैसे जलता है इसमें। अगर आप जैसे मैंने इसमें टेप लगाई थी तो इसकी ब्राइटनेस कम थी, और मैंने टेप हटाई तो बहुत ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है इसकी। तो अब मैं ये लगाऊंगा, ये वाला नया वाला बल्ब। तो गाइस, अगर आप इसे लगा रहे हो बल्ब को, तो आप ना इंडिकेटर ऑन पे ही लगाना, क्योंकि इसके ना जो मूव जो घुमा घुमा के चेक करना पड़ता है कि कहाँ किस तरह से चल रहा है, क्योंकि अलग अलग पोजिशन होती है इसकी। तो आप ज़रा देख सकते हैं, तो ये अंदर घुमा के ये इसमें फिट बैठेगा। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और, आप ना ये मैंने इसका इंडिकेटर जल्दबाजी में साफ़ नहीं किया, तो आप ना साफ़ कर लेना एक बार, पूरा क्लीन करें ना, ताकि आपकी गाड़ी ज़्यादा इंडिकेटर आपकी गाड़ी के ज़्यादा ब्राइट लगेंगे, दो कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी, ज़्यादा ब्राइट भी है। तो आपको अब सबसे पहले क्या करना है कि पहला ये वाला आपको लगा लेना है नट इसमें, फिर सेकेंड टाइम में फिर आपको दूसरा ट्राई करना है, क्योंकि अभी ये लगा दोगे वो लगा दोगे तो फिर आप घुमा नहीं पाओगे इसको। तो ये लगा दिया है इसमें, फिर सेकेंड टाइम में आपको नीचे वाला लगाना है, ब्लैक वाला नट जो थोड़ा बड़ा होता है वो लगा देना, और आपका ये एकदम परफेक्ट बैठ जाएगा। थोड़ा आप देख लेना कि इसमें जो इसमें ये बल्ब लगा हुआ है उसको थोड़ा मूव कर देखना कि सही से बैठा है कि नहीं, तभी ये नट लगेगा उसके अंदर, तो नहीं लग पाएगा, आप कितनी भी कोशिश कर लो। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। देन गुड बाय।